सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल स्मार्ट इधर के एक नए वीडियो में, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जनरली स्टूडेंट, आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या सुना है या क्या जानते हैं उसके बारे में कि वो क्या है? अगर किसी ने आपसे पूछा कि वॉट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, तो जनरली आप क्या बताएंगे? ज़्यादातर लोग ये बताएंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो आयोनाइज चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बस। तो ये जनरली आप 1% या थोड़े बहुत सही है। सो बेसिकली इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बस ये वीडियो को आपको अच्छी तरीके से सुनना और समझने की ज़रूरत है। तो जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो जनरली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिनल एनिमेशन है। ये कुछ इस तरह दिखाई देती है, यानी हम इसे खुली आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए इसे हम देख सकते हैं। उन मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वो प्रोड्यूस कैसे होती है, अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कैसे कर। अक्सर आपने सुना होगा या कहीं पर पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तब होती है जब आयोनाइज इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी मेटेलिक सब्सटेंस से करंट पास कराते हैं तो वो मेटेलिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे वायर हो गया, जब हम वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराते हैं तो जनरली वो मेटेलिक वायर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी मैग्नेटिज्म इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी यूज़ होता है, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में भी वही प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो जनरली अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड उसके डायनेमिक इफेक्ट से मिलती है। अब आप बोलेंगे कि डायनेमिक इफेक्ट क्या है, तो इसे हम सिंपल शब्दों में समझेंगे कि डायनेमिक इफेक्ट क्या है। तो जनरली जब कोई फ्लूइड या लिक्विड स्टेट सब्सटेंस एक हाई टेम्परेचर पर मूव करता है, यानी कंटिन्यूस मूव करता है, तो वो जनरली एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसे डायनेमिक इफेक्ट या डायनेमो इफेक्ट भी कहते हैं। तो जनरली इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं डायनेमिक इफेक्ट या डायनेमो इफेक्ट के बारे में बहुत डिटेल के बारे में। तो ये डायनेमो इफेक्ट अपने अर्थ पर कैसे काम करता है, तो जनरली अब बात करते हैं कि ये डायनेमो इफेक्ट या डायनेमिक इफेक्ट अपने अर्थ पर काम कैसे करता है। तो देखिए, अर्थ के कोर में जो लिक्विड या लिक्विड सब्सटेंस या फ्लूइड प्रेजेंट है वो जनरली मेटेलिक सब्सटेंस से बना हुआ है। तो जनरली ये आयरन और निकेल के सब्सटेंस से बना हुआ होता है जो कंटिन्यूस मूव करता रहता है। जनरली जैसे हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होती रहती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बस वैसे ही अर्थ के रोटेशन के वजह से अर्थ के कोर में प्रेजेंट इस फ्लूइड सब्सटेंस भी मूव होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जनरली कोर में दो लेयर होते हैं, एक इनर कोर और एक आउटर कोर, जो दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। दोनों कोर मूव होते रहते हैं, एक आउटर ओर मूव होता रहता है, दूसरी ओर इनर ओर भी मूव करता है। दोनों के मूव होने की वजह से इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वो चार्ज भी कंटिन्यूस मूव होते रहते हैं, जो जनरली कोर के मूव के वजह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड या जनरेट होती है। सो जनरली अर्थ का कोर मूव होता है और उन्हीं मूव के वजह से हमारे अर्थ पर मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो देखो, कोर के मूव के वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक चार्जेस के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बट मैग्नेटिक फील्ड के भी कुछ फीचर्स होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसी पर डिपेंड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरली टेम्परेचर और स्पीड पर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बेसिकली जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कोर का, उतना कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यानी जनरली जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। वैसे ही स्पीड की बात करते हैं तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी अगर स्पीड स्लो हो जाए तो जनरली अगर स्पीड स्लो हो जाए रोटेशन की, अर्थ के रोटेशन की या कोर के मूव्स की, तो जनरली मैग्नेटिक फील्ड पर अफेक्ट हो सकता है। अब इसके कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। सो जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ में प्रोड्यूस होती है वो हमें सन से आने वाले डायरेक्ट कॉस्मिक रेस या हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है। मैं जनरल एग्जांपल बताऊंगा। जैसे मार्स, कुछ अरब सालों पहले धरती जैसा ही था, यानी अर्थ के जैसा ही था, वहाँ पर भी सागर एटमोसफियर हुआ करते थे। बट धीरे धीरे उसके मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होते गए, धीरे धीरे मार्स का मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होते गया, उसके रोटेशन में अफेक्ट आया या मैग्नेटिक फील्ड कम होते गया, उसके वजह से वो जो हार्मफुल कॉस्मिक रेज है वो जनरली सरफेस पे, मार्स के सरफेस पे डायरेक्ट अटैक करने लग गए। यानी
वो बिना किसी ऑब्स्टेकल के डायरेक्ट उस प्लैनेट पर गिरना चालू हुई। वो जनरली कॉस्मिक रेज इतनी ख़तरनाक होती है अगर वो जनरली हमारे शरीर के ऊपर पड़ जाए तो वो बेसिकली हमारे शरीर के डीएनए को अफेक्ट कर सकती है। वो कॉस्मिक रेज जनरली हमारे शरीर के डीएनए को अफेक्ट करती है, वो इतनी हार्मफुल होती है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर वो कॉस्मिक रेज धरती पर पड़ जाए तो यहाँ जीवन की संभावना होगी ही नहीं, यानी यहाँ लाइफ पॉसिबल होगी ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मार्स की बात कर रहे थे, मार्स में अभी लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। जनरली सोलर विंड में इतनी पावर होती है, ये इतनी हैवी होती है कि अगर वो किसी प्लैनेट में एंटर कर जाए तो जनरली वहाँ के एटमॉस्फेयर को पूरा डैमेज कर देती है, यानी वो ऑक्सीजन को बाहर फेंक, जनरली वो ऑक्सीजन को प्लैनेट से बाहर फेंक देती है। ये सोलर विंड इतनी डेंजरस होती है कि इसे बच पाना हमारे ह्यूमन के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट, हमारे बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट भी इससे नहीं बच सकते। अगर सोलर विंड डायरेक्ट हमारे इंस्ट्रूमेंट पे पड़ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे स्पेस स्टेशन या किसी सैटेलाइट पे पड़ जाए, तो जनरली वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, वो जनरली पूरे डैमेज हो जाएंगे। जनरली मैग्नेटिक फील्ड हमें बहुत सारी अल्ट्रा कॉस्मिक रेस से प्रोटेक्ट करता है डायरेक्ट फ्रॉम द सन। तो जनरली आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट कैसे होता है और काम कैसे करता है। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।